होली खेलत नंद कुमार, देखो सखी चलो सखी दर्शन करके आओ। आज कुंवर संग खेलन चाहूं, होली खेलत नंद कुमार। सुर इधर उधर हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली, क्योंकि आज होलिका दहन है और जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। दोस्तों कहीं कवि सम्मेलन है, कहीं होली मिलन समारोह हो रहा है, कॉलोनियां बहुत सुंदर सुंदर सज रही हैं, बच्चे बहुत प्यारा प्यारा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी रंग गुलाल ये पूरी छटा बिखरी हुई है। ओ गॉड, ओ गॉड। और साथ में ये ढोल बताशे जो होता है ना, वो होने की जगह केवल ये नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ इन लोगों को पता चल जाता है तो पैं पैं वेल्डिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर छोड़िए, सभी जगह बड़ी पापड़ अचार चिप्स यही सारी चीजें बन रही है। हमारे यहाँ तो इसका कोई सेजा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी डस्ट है कि हम कहाँ सुखाएंगे। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये सब चीजें तो मार्केट से ही आएंगी। ओहो। सो मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन हाँ अचार मैं भी बना रही हूँ दोस्तों, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं जरूर से शेयर करूंगी, क्योंकि ये रेसिपी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है। और मैं पहले इन सब चीजों की ज्यादा वैल्यू नहीं करती थी, जब मायके में थी ना तो बस खाने से मतलब होता था, क्या कैसे बनता है इससे कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जैसे ही ससुराल में आगमन हुआ ना, वही स्वाद खोजने लगा मेरा मन, वही चीजें उसी छोटी छोटी सी चीजों के लिए तरसने लगा, जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीजें नहीं होती है, लेकिन कल्चरल डिफरेंस, हाथों के स्वाद का अंतर, बनाने की विधि का अंतर होता है दोस्तों। सो मुझे ना वहाँ की चीजें ज्यादा याद आती थी, तो मैं एक एक चीज नोट करके लेके आती थी कि इतने नींबू में, इतने मिर्च में, इतने लहसुन में मुझे कितना क्या मसाला डालना है, भून के डालना है, पीस के डालना है, खड़ा डालना है, क्या करना है, सभी चीजें मैंने एक एक चीज नोट कर ली अपनी मम्मा से पूछ के। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आश्चर्य होता है उन लोगों को कि अच्छा तुम अचार बनाओगी, अच्छा तुम बना लोगी। और यही हमेशा होता है, मैं हर साल पूछ के उनसे जरूर से अचार रखती हूँ, थोड़ा ही रखती हूँ, क्योंकि अचार खाना तो मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन घर के बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए। कभी हम कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें अचार डालना अच्छा लगता है, स्वाद बढ़ा देता है, दुगना कर देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बनाती हूँ मैं, ज्यादा पूरा साल भर वाला नहीं बनाती हूँ। तो जो भी बना रही हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, और आप लोग जरूर बताना कि ऐसा होता है ना कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हो तो जहाँ पर आप रह रहे होते हो वहाँ की कुछ कुछ चीजों की याद आती रहती है, वहाँ का स्वाद, वहाँ का माहौल, वहाँ की सभी चीजें। केवल लड़कियों को नहीं दोस्तों, लड़के भी बहुत सारी चीजें मिस करते हैं जब स्टडी के लिए वो बाहर जाते हैं, तो मम्मी से बहुत सारी चीजें बनवा के और अपने पास लेके जाते हैं, साथ लेके जाते हैं, ताकि परदेश में अगर कुछ उनको ना मिले तो कम से कम अचार ब्रेड खा सके, अचार रोटी खा सके, कुछ तो खा सके, दाल चावल बना ले उसके साथ वो अचार खा सके। तो मैंने ये सारी चीजें महसूस की अपनी स्टडी के दौरान भी, और जब शादी हुई तब तो ज्यादा ही करने लग गई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा माहौल नहीं था, भाई हस्बैंड और देवर अचार थोड़ी ना बनाते, तो बहुत सारी चीजें मैं मिस करती थी, और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ आके सीखी हैं। खास तौर पे अचार बनाना तो मैंने यहीं आके सीखा है, लेकिन मैं रहती यहाँ हूँ, टेस्ट मेरा यूपी वाला होता है, मुझे वहीं का टेस्ट पसंद है, तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि मेरा रेशियो ठीक है कि नहीं, और वैसे सुगंध तो बहुत 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 अच्छी आ रही है दोस्तों। दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नींबू का अचार, और इसके लिए और अच्छी मिर्च मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन मुझे बहुत ही पतली पतली सी मिर्च मिली है और लहसुन उसके जस्ट डबल अपोजिट मिला है, तो मैं लहसुन को ना इस तरह से चीरा लगा लूँगी ताकि मसाला इसके अंदर तक भिग जाए और ये जल्दी ही पक जाए। और चूँकि नींबू के रस में ही सभी चीज़ें गलेंगी, इन्हें मैं बार बार धूप में रख के पकाऊँगी, और जितनी अच्छी धूप लगेगी उतनी जल्दी अच्छे से अचार गल जाता है दोस्तों। तो सभी लहसुन को मैं इस तरह से चीरा लगा लूँगी, मिर्चियों में चीरे लगा दूँगी मैं, और अदरक के टुकड़े में छोटे छोटे कर दूँगी। कई लोग जो है इसमें गाजर भी डालते हैं, लेकिन मैं गाजर इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गाजर से ना पानी निकलता है और कभी कभी अचार ख़राब हो जाता है, यूजुअली बहुत ध्यान रखना पड़ता है अचार का भी, तो मैं शायद गाजर नहीं ऐड करूँगी, और गाजर घर में किसी को पसंद भी नहीं है दोस्तों,
तो मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें डालूंगी। और मसाले में मैंने क्या क्या यूज़ किया है वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। पंचफोरन हमारे यहाँ मिलता है बना बनाया, उसमें होती है सौंफ, जीरा, मेथी, राई, मंगरेल जिसे करेल भी बोलते हैं शायद, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें ऑलरेडी। और अगर कुछ रेशियो ऊपर नीचे होता है तो आप ऊपर से भी मिलाकर उसे भून सकते हैं आराम से, और उसे आप पीस कर ग्राइंड कर लीजिए। तो मैंने ये से पहले से ही पीस कर रखा हुआ है, और इसमें मैं मिलाऊंगी बना बनाया जो आम के अचार का मसाला आता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से दोनों मसालों को मिक्स करके मैं ये बनाने जा रही हूँ। और इसमें कई लोग साबुत मसालों का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं साबुत नहीं कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी इन लोगों के दांत में फंस जाता है तो ये लोग चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। चूँकि इस मसाले में जो है हींग और नमक नहीं है, तो मैं जो है इसमें हींग अलग से ऐड करूँगी और नमक ऐड कर दूँगी जितने नमक की हमें ज़रूरत है। रेशियो का हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, कभी कभी जो है नमक की अधिकता के कारण टेस्ट बिगड़ जाता है। हालांकि ये नींबू का अचार है, प्योर खटाई है इसमें, तो अगर इसमें थोड़ा सा नमक तेज़ हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डालना है हमें। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि कभी कभी नमक की वजह से ऊपर ऊपर नमक जम भी जाता है अचार बनने के बाद, एक परत सी बन जाती है। तो वो उसका रीज़न ये है कि हमें अचार बनने के बाद उसे हमेशा हिलाते रहना चाहिए, धूप में लगाते रहना चाहिए, ऊपर नीचे अलटते पलटते रहना चाहिए, अचार में हमेशा रस बना रहना चाहिए। जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो सभी आप लोगों को एक साथ में बताने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि अचार कैसे बनाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा जितना नींबू, जितनी सारी सामग्री है उसके हिसाब से मसाला रेडी हो गया है। तो अब बस मैं इसे जो है अच्छी तरह से कोट करूंगी और उसके बाद मैं इसे जार में डालना शुरू करूंगी। इसी मसाले वाली प्लेट में मैं सारे नींबू उलट पलट दे रही हूँ। पहले अच्छी तरह से इनको मिक्स कर दे रही हूँ हाथ की सहायता से, और फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से सभी नींबुओं में ये मसाला चिपक जाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा सा दिखेगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और नींबू तो गीला होता है इसलिए उसे चिपकाना आसान है, लेकिन ये बाकी की सब चीज़ें ड्राई ड्राई हैं जिनमें नींबू का रस जब लगेगा तब ये सारी चीज़ें एक दिल होंगी, एक जैसी नज़र आएंगी। तो मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करती जा रही हूँ साथ में, और हमें ये भी देखना है कि मसाला ठीक ठाक होना चाहिए। अगर कम मसाला पड़ेगा तो फिर मैं आम के अचार का मसाला थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी, या पंचफोरन फिर से भून कर पीस कर इसमें ऐड कर दूँगी। ये सूखा हुआ जार मैंने ले लिया है, अब इस जार में मैं सारा अचार भर दे रही हूँ। और कभी कभी इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए दोस्तों हींग का धुआं भी दिया जाता है, लेकिन वो मुझे अभी प्रॉपर वे में आता नहीं है हींग का धुआं देना, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। मैंने देखा है कि रुई के फोहे में हींग को रख कर उसमें आग लगाई जाती है और तुरंत उसके ऊपर ये मर्तबान जो है उसे ढक दिया जाता है, तो जो हींग वाला धुआँ होता है पूरे मर्तबान में छा जाता है और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। लेकिन मैं अभी उसे स्किप कर रही हूँ, जब मैं प्रॉपर उसमें ट्रेंड हो जाऊँगी तभी उसको मैं ट्राई करूँगी। तो ये मेरा पूरे अच्छी तरीके से ये भर गया है दोस्तों, अब मैं इसे ढक्कन लगा के कपड़ा बांध दे रही हूँ। तो अपने मायके की खट्टी मीठी प्यारी प्यारी सी यादों के साथ मैंने ये अचार बनाया है, और कहते हैं कि बनाने खिलाने वाले के अंदर जितना प्यार होगा, जितना उत्साह होगा, खाने में स्वाद भी उतना ही आता है।
तो मैंने पूरी पूरी कोशिश की थी हर उस मोमेंट को याद करते हुए। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यार इसे तो मैं नहीं खा पाऊंगी, लेकिन इस बात की भी संतुष्टि थी कि जो भी इसे खाएगा वो मेरी ही तारीफ करेगा ना कि हाँ बहुत प्यारा, बहुत अच्छा अचार बनाया है, थोड़ा सा अचार दो ना। तो बस इसी भाव के साथ मैंने तो इसे डाल दिया है। और चूंकि आज बहुत नॉइस पोल्यूशन हो रहा है दोस्तों, मैं बस पॉज कर करके किसी तरह वीडियो को बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं अभी ही विदा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड है, इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है कि क्या ही बोला जाए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कॉमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कैसा अचार बनता है, आपको अपने घर के किस अचार का टेस्ट आज भी आपकी ज़ुबान पर है। तो ये वाला व्लॉग मेरा अचार स्पेशल हो जाएगा, अपनी खुद की भावनाओं के साथ और आप लोगों के स्वाद के साथ, आप लोगों की कुछ यादों के साथ दोस्तों। और मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बकबक बकबक करके अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आमने सामने हमारी बात हुई है और मैंने अपनी बात रखी है और आपने अपनी बात रखी है। तो मैं मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोग खूब अच्छे से होली एंजॉय कीजिएगा, संभल के रहिएगा, आँखों को बचा के रखिएगा, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुंह क्यों ढका है?